सो हेलो दोस्तों, के सब सभी और वेलकम बैक टू दी पॉइंट प्लैटिनम वॉचिंग एंड दूसरी गेम। तो जिसको वो पता होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हमने टीम गैलेक्टिक का जो बेस था, बेस में जो हाइड आउट था, वहाँ पर एक्सप्लोर किया था। दोस्तों वहाँ पर उनसे भाग गए दोस्तों। वहाँ हमने उससे बैटल किया था जुपिटर टीम, वहाँ की कमांडर। और दोस्तों आपको पता होगा कि जाते जाते हमें बाइसिकल और एक मिला था जिसने जो एक जो है वो सिद्धैन दिया था। और दोस्तों बाइसिकल जो है वो बाइसिकल शॉप पर नहीं दी थी, क्योंकि हमने उसके पोकेमोन से छुड़ाने में मदद की थी। दोस्तों आज जो है हम यहाँ इस सिटी को लीव करने वाले जाते थे। दोस्तों इस सिटी को मैं एक्सप्लोर कर आ चुका हूँ और यहाँ इसको जो खास नहीं था दोस्तों मुझे यहाँ पर मिला है। दोस्तों पहले मैं पोकेबॉल ले लेता हूँ, क्योंकि दोस्तों आज जो है हम हमारे टीम में ऑफिसर जो होता है वो थर्ड पोकेमोन ऐड करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पोशन पोकेबॉल तो ले लिया, पोशन भी ले लेता हूँ, सुपर पोशन भी ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि जाते जाते कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। 12,000 तो पड़े हैं हमारे बैग में, अर्निंग में 12,000 तो पड़े हैं। यहाँ पर मैं ट्रिपल भी ले लेता हूँ दोस्तों। कितने लोग यार, ये समझ नहीं आ चुका, 5 ले लेते हैं, 14 हो जाएंगे। एस्केप रोपी अगर जरूरी हो जाएगी तो 3 ले लेते हैं दोस्तों। एस्केप रोपी बहुत ही महंगी होती है एस्केप रोप, 550 की यार, इतने पैसा यार 550 में अच्छा से मुझे और इक्विपमेंट मिल जाएंगे। चलो दोस्तों यहाँ पर मैं बाहर तो आ चुका हूँ, तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने आगे के सफर पर। ओके तो ये कौन है? Oh, don't you tell me, don't have extra rocket, you shall have the one with the next door, the Pokemon Center. ओके दोस्तों मुझे पोकेमोन सेंटर जाने के लिए बोल रही है लड़की। चलो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले तो पोकेमोन सेंटर, नेक्स्ट डोर मुझे लगता है कि यही है शायद। ये क्या एक इनमें से कौन दे रहा है एक्सप्लोरर किट? नहीं मुझे तो नहीं लगता है, नेक्स्ट डोर बोली थी शायद। वो बाजू वाला जो घर है ना, वो घर में मुझे एक्सप्लोरर किट मुझे मिल गया शायद। मैं शायद ये घर में जाना भूल गया था दोस्तों। चलो यहाँ से आम दफा इसमें अंडरग्राउंड होते हैं, उसमें बात कर लेता हूँ उससे, ये दे रहे क्या। ओके तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक्सप्लोरर किट मिल चुकी है। देखते हैं माई गिफ्ट इंस्टेंटली टेक अंडरग्राउंड यूनिट ओनली डाउन इन द टनल्स। ओके दोस्तों मुझे कमेंट जरूर उतना दोस्तों एक्सप्लोरर किट का मुझे क्या ये करना चाहिए। दोस्तों एक्सप्लोरर किट इस काम के लिए आती है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और दोस्तों आप जो है हमारे वीडियो देख कर पेटीएम कैश भी कमा सकते हो, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखी है, जाओ यार डिटेल वीडियो मैंने वहाँ पर बना रखी है, टाइम स्टैम्प भी दे रखा है, मतलब कि आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि वो लंबी वीडियो है, क्योंकि मैंने बताया कि व्हाट्स नेक्स्ट फॉर आवर चैनल। तो उसे चलते हैं अभी बाहर की सफर पर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ Route 206 एटर्ना सिटी पर। तो चलो दोस्तों यहाँ पर गियर डाल दिया मैंने और इसके साथ चलते हैं अपने आगे के सफर पर। तो दोस्तों आज का हमारा आज का पहला बैटल जो है वो अब ऑन द रोड। आई विल बैक इन 2 seconds ऑफ द वीडियो। तो जी दोस्तों यहाँ पर बैटल जो हो चुका है, जिसके आपने देखा कि मेरा टोटल जो है वो लेवल 22 पर जा चुका है, और दोस्तों इसके साथ वो जो है वो बाइट अटैक सीख चुका है। दोस्तों मुझे लगता है कि हमारा थर्ड टीम बैच जो है, और दोस्तों मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये बेसिकली जो है वो मेरा ब्लाइंड इलेक्ट्रा गेम प्ले है। दोस्तों ब्लाइंड बोले तो मैंने सिर्फ यहाँ का 15% ही किया था दोस्तों। सबसे पहले बैटल कर लेता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर चलते हैं, कहीं सब मैं बताना भूल गया कि दोस्तों मैंने 15% यानी कि मैंने 2 जिम लीडर्स को सबसे पहले मैंने गेम खेल रहा था, तभी मैंने 2 जिम लीडर्स को डिफीट किया था। जब हराने के लिए गया था तभी हो चुका था मेरा, मैं हरा नहीं पा रहा था दोस्तों, इसलिए मैंने जो है वो यहाँ पर गेम को बंद कर दिया था। पर दोस्तों मैंने दोबारा से जो है वो गेम को खेलना शुरू कर दिया, और दोस्तों यहाँ के जो सारे के सारे बैटल जो है ना मैं ऑफ स्क्रीन पर खेल लूँगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते इस बात का लॉर्ड सर्विस फ्लैग। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मुझे फ्लैग मिल चुका है। ओके फैशन केस में रख दिया। ओके गो टू द लॉन्ग कॉर्नर है हार्ट फॉर्म सिटी। ओके दोस्तों शायद मुझे हार्ट फॉर्म सिटी ही मेरा नेक्स्ट जिम बैटल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रास बेली मिल गई, चलो दोस्तों अच्छी बात है।
में बेरी ज़्यादा उठाता नहीं है, ऑक्सली में ज़्यादा बेरी रख देता है। तो यहाँ पर और एक रास्पबेरी मिल गई क्या? हाँ जी हाँ, यहाँ पर और एक रास्पबेरी है तो मैं इसे भी उठा लिया हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर और एक रास्पबेरी उठा ली। तो चलो उसे चलते हैं अपने आगे के सफर पर। ओके तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों मेरे पास तो वीडियो है, और दोस्तों यही से मैंने एक अपना एक पोकेमॉन ऐड करने वाला हूँ। पोकेमॉन जो है होने वाला एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, आपको बाद में उसका नाम पता चल ही जाएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने आगे के सफर पर। ओके तो यहाँ पर मुझे वन हिल मिल चुकी है। ओके तो यहाँ पर गेयर डाल दिया मैंने। तो चलो दोस्तों यहाँ मुझे लगता है कि बैटल भी है, तो फटाफट से ना। तो चलो दोस्तों यहाँ मुझे लगा कि बैटल यहाँ पर नहीं है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर हार तो देखते कौन सा पोकेमॉन यहाँ पर मिल जाएगा। नहीं दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ पर आगे से ना एक केव जाती है दोस्तों। मेरे हिसाब से वो आदमी बात कर रहा था दोस्तों केव के बारे में। तो दोस्तों मुझे लगता है कि राइट साइड में जाना चाहिए। तो केव किधर है यार? ऊपर तो साइकिल मोड है, नीचे का एरिया मुझे दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। ऊपर सुपर रिपल, ओके दैट्स कूल। ओके दोस्तों चलता हूँ मैं अपने आगे के सफर पर। ओके दोस्तों यहाँ पर और जो बैटल है मैं उसे भी डन कर पर आपसे फिर से मिलता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो है बैटल जो है वो डन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। मुझे लगता है कि सुपर पोशन में इस्तेमाल कर लेता हूँ शायद मेरा किधर है सुपर रेपर में इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने एक ही सुपर रेपर का। यार मैंने गलती से सुपर रेपर लगा दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो चलो छोड़ो दोस्तों यहाँ पर ओके दोस्तों यहाँ पर केव का रास्ता जो है वे यार्ड केव में मैं जो हूँ यहाँ पर अपना अगला पोकेमॉन पकड़ने जाने वाला हूँ दोस्तों। नीचे की तरफ ही है वो, तब वो पोकेमॉन आएगा ना दोस्तों। सबसे पहले चेक कर लेता हूँ मैं कि कब वो पोकेमॉन आएगा। तो उसके लिए मैं रुक जाता हूँ दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ 30 सेकंड्स में। तो जी हाँ दोस्तों जिस पोकेमॉन का नाम है गिबन। तो जी हाँ दोस्तों बेसिकली जो है वो ड्रैगन एंड रॉक टाइप पोकेमॉन है। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं गिबन को जो है वो पकड़ने वाला हूँ दोस्तों अपने आगे के सफर पर। हम इसे साथ रखेंगे, विंग अटैक का इस्तेमाल किया है वो दोस्तों। ये ले लीजिए यार, बहुत ही अच्छे हो गया। तो फिर दोस्तों यहाँ पर मैं बात में पोकेबॉल कौन सा इस्तेमाल कर चलो, मुझे 20 पोकेबॉल बचे हैं, लेवल 17 है। चलो बहुत ही अच्छा हो गया है दोस्तों। एक दो ओ शिट यार, चलिए जल्दी से निकल गया ये। मुझे लगता है कि और मुझे तो इससे फटाफट से मैं इसे पकड़ ही लेता हूँ दोस्तों। ओके तो दोबारा से मैं ट्राई करता हूँ मुझे गिबल कैसे भी करके, क्योंकि यही है कि यहाँ पर एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है दोस्तों मुझे वो लगता है। आई थिंक सो यार, क्या कर क्या रहा है यार गिबल। आजा फीमेल यार, ओ शिट जी, मेरे पोकेमॉन को ख़त्म नहीं कर देना है गिबल की वजह से। ओके तो यहाँ पर दोबारा से मैं पोकेबॉल का इस्तेमाल कर देता हूँ। 20 पोकेबॉल में इसीलिए भी लेकर आया यार। एक क्या करूँ यार, ये गिबल आ ही नहीं रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोबारा से मैं कोशिश कर देता हूँ। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करते दोस्तों, एक और पोकेबॉल का इस्तेमाल कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर। नहीं तो मैं दूसरा पोकेबॉल इस्तेमाल कर लूँगा। 1 2 3 4 तो जी हाँ दोस्तों के साथ गिबल वॉज गॉट। तो जी हाँ दोस्तों हमने गिबल को है वो पकड़ लिया है। तो चलो तो डेटा वॉज एडेड टू दी पोकेडेक्स इन अटैक्स व्हाइल यूजिंग दिस मूव माय मोबाइल अटैक इज पावरफुल इट हर्ट्स इटसेल्फ आउट ऑफ 10 मिनट्स टू ड्रैगन और ग्राउंड टाइप है टू हाइट जो है वो किए टू फिट चैलेंज है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं जो हूँ हीलिंग करके हार चले जाता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं कि बैटल जो है वो होंगे, तो मेरे पास एक रेपल भी हो शायद रिवाइव होगा। रेपल का इस्तेमाल कर लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने सुपर रेपल गलती से इस्तेमाल किया था दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो चलो दोस्तों यहाँ पर गेयर डाल दिया, शायद मुझे दोबारा से ऊपर चले जाना पड़ चलेगा। ओह शिट, मैंने गलती से शिट यार, मुझे गेयर का साउंड रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा सबसे पहले। तो ओके यहाँ पर चले जाता हूँ। ओके तो शायद पीछे से आना पड़ेगा क्या?
तो सबसे पहले देख लेते कौन सा आइटम है, मैक्स हेडर। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैक्स हेडर मिल चुका है। ओके यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि नीचे से कोई रास्ता है क्या, नहीं मुझे नीचे से तो नहीं लगता कोई रास्ता। ओके तो नहीं है मुझे रास्ता, मुझे लगता है कि वहाँ से एक मुझे शायद रास्ता मिल जाएगा। चलो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ मुझे ना एक ही तो करना है, तो दोस्तों चलो सबसे पहले तो चले जाता हूँ मैं यहाँ। ओके शिट यार, जल्दी से मैं नीचे आ गया हुआ, शायद मेरे लिए मुझे पूरा घर में था ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलो उससे फिर दोबारा से मैंने ट्राई करता हूँ, गियर डाल दिया। तो चलो यहाँ पर दोबारा से मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो वहाँ पर जो है मुझे वो केव को इस पूरे केव को एक्सप्लोर कर देना। हाँ चलो दोस्तों यहाँ पर शायद मैं आ गया क्या, नहीं यार थोड़ा सा ही बच गया। अच्छा उस यहाँ पर आगे से भी रास्ते जाता है दोस्तों, चलो उस रास्ते से मुझे जाना है। हाँ यार तो दोस्तों अच्छे जो दोबारा से ये ट्राई करना पड़ेगा, तो देखता हूँ दोबारा से। ओके तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, क्या हो जाता है यहाँ पर। ओके तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ दोस्तों। तो जी हाँ यहाँ पर मैंने ओके यहाँ अच्छा शायद मुझे दोबारा से नीचे जाना पड़ेगा। ओके तो ओके जी हाँ, ओ शिट यार तो कौन सा पोकेमॉन है, कौन कौन आ रहा है यार, जियो डी मेरे रिपल खत्म हो गया, तो मुझे दोबारा से रिपल इस्तेमाल करना पड़ेगा रिपल का। तो उसमें मुझे जो है ना बीच वाले में जाने में मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी मेरी साइकिल जो है वो थोड़ी सी उसकी स्पीड कम करनी पड़ेगी। ओ शिट यार देखो यार हर बार क्यों हो रहा है ये, मैंने शायद रिपल लगा फिर से भूल गया, वो रिपल लगा लेता हूँ मैं सबसे पहले। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर फिर से चले जाता हूँ मैं, एक ही मुझे चाहिए यार। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मैंने गियर को कम कर दिया और इसके साथ मैं आ चुका हूँ अपने आगे की तरफ। तो जी हाँ मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है रिपल का। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा से गियर शिफ्ट कर देता हूँ, गियर शिफ्ट करना इस गेम में बहुत ही आसान है दोस्तों। मुझे लगता है कि गियर हाँ तो इसके साथ ऊपर आ गया मैं, अभी मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने आगे के सफर पर। तो चलो दोस्तों चलते हैं यहाँ से, वहाँ पर एक और दो पोकेबॉल है मुझे वो भी लेना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं। ओके तो दोस्तों मुझे लगता है ना ये अभी बहुत ही बड़ा बड़ा ट्रैक आ रहा है दोस्तों। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा, ओह शिट मुझे लगता है कि दोबारा से मुझे ट्राई करना चाहिए। हाँ एक पर ही आ गया, रुकना दोस्तों ज़रा थोड़ा सा सबर करो। नहीं यार ये तो मैं चढ़ ही नहीं पाया, तो रिपल का पहले से पहले इस्तेमाल कर लेता हूँ। ओके चलो दोस्तों फटाफट दोबारा से ट्राई करते हैं यार, कुछ क्यों नहीं हो रहा है यार ये। हाँ चलो अभी मैंने गियर डाल दिया, पर गियर डालने के बाद में दोस्तों हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ दोस्तों फाइनली, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क थे। चलो दोस्तों यहाँ पर मैं फटाफट से ले लेता हूँ जो है वो यहाँ पर। ओके दोस्तों यहाँ पर मुझे मिल चुका है TM26 अर्थक्वेक। तो जी हाँ दोस्तों चलते हैं अपने आगे के सफर पर। एक्सकेप रूप का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने केव को एक्सप्लोर कर दो आइटम जो है मैं ऑफ स्क्रीन ले लूँगा दोस्तों, बाद में बताऊँ तुमको दोस्तों कौन से आइटम थे। तो जी हाँ दोस्तों यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ, तो चलो दोस्तों बाहर की तरफ चले जाता हूँ। सबसे पहले तो मेरे मुझे पोकेमॉन को भी हीलिंग करनी पड़ेगी, तो चलो दोस्तों मुझे आसानी से सावधानी से चले जाना है। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं ओके एक्सकेप रूप में गलती से दबा दूँगा यार। तो चलो दोस्तों यहाँ पर मैं दोबारा से चले जाता हूँ। तो यहाँ मैं साइकिल को मैंने स्विच कर दिया, मैं अपने आगे के सफर पर। ओके दोस्तों यहाँ पर कट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर चले जा रहा हूँ दोस्तों बाहर की तरफ।
ओके दोस्तों, यहाँ पर मुझे शायद इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी चाहिए, दोस्तों बस मैं बाहर चले जाता हूँ। और उसी के साथ दोस्तों हम जो है यहाँ पर ओके, यहाँ पर दो बैटल्स और हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी पोकेमॉन को शायद मुझे रिवाइव देना पड़ेगा। ओके रिवाइव किधर है यार? हाँ इधर रिवाइव जो है, मगर एक रिवाइव खड़ा तो है, तो गिबल को मुझे शायद एक्सपीरियंस शेयर दे देना चाहिए दोस्तों, आपको दे दूँगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो हूँ आपको बैटल करने के बाद ही मिलता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बैटल जो है हो चुका है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने आगे के सफर की तरफ। ओके दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता है कि आइटम पिकअप कर लेगा। ओके दोस्तों, यहाँ पर मुझे मिल चुका है एक सुपर पोशन। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं जो हूँ यहाँ पर हीलिंग कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ग्रोटन को स्विच कर लेता हूँ, क्योंकि एक रॉक टाइप ट्रेनर मुझे नज़र आ रहा है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर एक बैटल कर लेते हैं और फिर आपसे आपसे बात करता हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर और जो बैटल है वो हो चुके हैं। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अपने आगे की सफर। ओके तो डॉन क्या कर रही है यहाँ पर? क्या डॉन से बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों, राइट इस्तेमाल कर लेता हूँ। मुझे जो है मिल चुका है। Using that your city, you can find the trainer. So wanted image with you, Guru. Do you have also pocket egg? Yes, you can have this too. You deserve all you can for hard work. Okay, दोस्तों, यहाँ पर मुझे पॉकेट एक में डाउजिंग मशीन मिल चुकी है, मुझे पता नहीं। The डाउजिंग मशीन है वो लोकेट ऑन सिमिलर आइटम्स। The डाउजिंग मशीन इधर समथिंग यू शुड टच यू ऑफ्टन। Okay, you can't see. Okay, you can sure try it out. Okay, let me have only pocket egg. तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है हम के लिए अच्छी लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और उसको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाना। मैं मुझे आपको बोलूँगा पोकेमॉन प्लैटिनम के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। और दोस्तों, किसके आंसर देना मत भूलना।